सो हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी की न्यू अपकमिंग सीरीज के बारे में, रियलमी 13 सीरीज, जिसको 29 अगस्त को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। एंड इस सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, रियलमी 13 5G और एक रियलमी 13 प्लस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 13 प्लस के पूरे कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, स्मार्टफोन को किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा, क्या आपके लिए स्मार्टफोन सही रहेगा, और वीडियो में जानेंगे। देन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर से कर देना। फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी 13 प्लस के ओवरऑल डिजाइन के बारे में। देखो, बैक डिजाइन आपको इस टाइप का मिल जाता है। आपको पता होगा रियलमी 12 सीरीज में भी यही सेम डिजाइन था, यही डिजाइन आपको इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, रियर के अंदर एक एलईडी फ्लैश मिल जाता है, एंड ओवरऑल आपको डिसेंट डिजाइन मिलता है। बॉक्सी डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। अगर बात करोगे फ्रंट में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले गाइस रहने वाला, साथ साथ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगा। कंटेंट के लिए आप एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, 10 बिट का पैनल रहेगा। ओवरऑल काफी अच्छी नेचुरल क्वालिटी के साथ अच्छा कंटेंट वाचिंग देख पाओगे। एंड अगर बात करें देखो, डिस्प्ले काफी सही दिया जाता है। एंड रियर के अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पे आपको मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको LYT 600 वाला सोनी वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो आप इमेजेस वगैरह देखने जाओगे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जो भी स्टेबल इमेज होगी काफी अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ देखने को मिलेगी। सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर गाइस देखने को मिलने वाला है। एंड फ्रंट में देखने जाओगे स्मार्टफोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर लेंस देखने को मिलता है। एंड कैमरा यहाँ पे आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अब फाइनली बात करते हैं रियलमी 13 प्लस के प्रोसेसर के बारे में, किस टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने जाओगे 720,000 के लगभग देखने को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन में आप ओवरऑल काफी इस तरीके से गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्क में काफी यहाँ पे स्मूथ रहेगी, यूआई काफी क्लीन यूआई मिल जाती है। देखो यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जहां पे आपको 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं रियलमी 13 प्लस के फीचर्स के बारे में, यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 14 पे रन होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड गाइस, ये है कुछ ओवरऑल रियलमी 13 प्लस के स्पेसिफिकेशन, जो कि काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। देखो, इसका जो बेस मॉडल आपको 6 128 GB वाला इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, उसकी जो प्राइसिंग है आपको 17,000 के लगभग रहने वाली है। एंड ऑफर वगैरह लगा के अंडर 15 के अच्छे तरीके से आप स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। एंड गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी सही स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, इस स्मार्टफोन का वेट कर सकते हो अगर आपका बजट 17,000 या 16,000 के लगभग है, रियलमी का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो। एंड अब आप बताना कैसा आपको स्मार्टफोन लगा, कमेंट में जरूर से बताना। तो मिलते हैं ऐसे मिसिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।